सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यार मैं अपनी फॉर्मेलिटी कहाँ तक करता हूँ। खैर बात शुरू करते हैं यहाँ पे। जानते हुए आयतन और पृष्ठीय तनाव, मतलब सॉरी यार, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सरफेस एरिया का, यहाँ पे ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे रहा हूँ मैं, खोज लो भाई, ऐसे मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, तो चैनल पे जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके PDF का लिंक जरूर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मैंने इसके साथ में कुछ और भी दिया गया है। तो खैर बात शुरू करते हैं यहाँ पे आयतन और पृष्ठ तनाव, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे जितने भी सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं मैंने आपको दिखा दिया था, बता दिया था कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, और कुछ सवालों को भी हल करा दिया था 10 तक के। अभी और हमारे पास जो बचती हैं 4-5 सवाल हैं, उनको इस वीडियो में हल करेंगे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारी सी चीज़। वैसे आपका काम बढ़ाने ही वाला हूँ। खैर चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि क्या है, मैं लास्ट में बता देंगे। तो मेरे प्यारों चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में हमने 10 सवालों तक हल किया था। यहाँ पे सवाल में दिया गया है एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। लंबवृत्तीय बेलन जो होता है, बेलन भैया कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो पूरा पूरा जो वक्र पृष्ठ है, साथ में ऊपर और नीचे वाला दोनों को जोड़ करके पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 1540 वर्ग सेंटीमीटर, और उसके आधार की त्रिज्या, और इसमें कहा गया है कि उसकी ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो ऐसे में बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। बहुत अच्छी बात है, 4 गुनी होने बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे हमने लंबवृत्तीय बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, हमने यहाँ पे बड़ा आराम से छाप लिया है। और यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो है त्रिज्या की 4 गुनी है, तो त्रिज्या अगर r हुई तो ऊंचाई उसकी 4 गुनी यानी 4r बन जाएगी। बस हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ से देखिए मैं आपको कैसे निकाल के दिखाता हूँ। ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, ये इसके आधार और जो होता है, एक तो पहले इसका कलर चेंज करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रेड, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि ये आधार का नहीं, वक्र पृष्ठ है, और ये आधार का क्षेत्रफल नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को जोड़ करके, तब यहाँ से अगर यहाँ से 2πr 2πr दोनों में से कॉमन लेंगे तो h+r बचेगा, लेकिन r+s लिख देना, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्मूला हो जाएगा 2πr r+h। और बस हो गया काम खत्म। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की जगह जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हमने रख दिया, उठा के रख दिया, बस ऐसे उठा के रख दिया, और 2 रख दिया, पाई के मान 22/7 रख दिया, आर का मान तो आर ही रखने देते हैं, और एच का मान 4r रख देते हैं। और तो यहाँ पे जो है r+4r = 5r यहाँ पे बन जाता है, और यहाँ पे 1r है तो ऐसे रख दिया है, और यहाँ पे 22/7 जो था तो 2 × 22 को नीचे रख दिया, 7 को ऊपर पहुँचा दिया। बस इतना सा काम यहाँ पे हमने किया है। और इतना करने के बाद भी यह हमने क्या किया है कि जो भी हमसे कटते बना काटने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और क्या करती हैं कि यहाँ पे आर और 5r का गुणा जो हो जाता है 5r² हो जाता है, 5 को नीचे भेज दिया है, उसके बाद काट पिटी शुरू कर दी है। वैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं 5 और 2 को गुणा करके 10 लिख दूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, 22 को ऐसे साथ में रखा है। और जब 10 यहाँ पे मिल जाता है तो हमें 0 काटना बड़ा आसान लगता है, तो हमने यहाँ पे 0 काट दिया, उसके बाद 2 से काटा, फिर 11 से काट दिया, तो यहाँ पे 7 × 49 हमको हमने यहाँ पे अब लिख दिया है, यहाँ से आकर यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे r² = 49, तो r = 7 मिल जाएगा। ऊंचाई उसकी हमसे पूछी जा रही है, तो ऊंचाई हो जाएगी 7, जो कि 4 7 मतलब उसके 4 गुना थी, तो 7 × 28 इसकी ऊंचाई हो गई। बस हो गया काम खत्म। उसके बाद अब आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास वो है 12 नंबर। कहा गया है कि बेलन का आयतन दिया गया है 120 घन सेंटीमीटर है, उसका तो उसी आधार और उसी ऊंचाई के शंकु का आयतन क्या होगा। तो भैया यहाँ पे सवाल को तो बहुत लंबा सा किया जा सकता है हल, लेकिन मैं आपको लिए चूंकि बहुत सिंपल लगाना चाहिए तो वो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो बेलन है उसके जो आधार की त्रिज्या h है, मतलब r है, और उसकी जो ऊंचाई है l भी आप यूज़ कर सकते हैं, h भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऊंचाई को h यहाँ पे यूज़ किया है, तो πr² h ये हो जाएगा बराबर 120 सेंटीमीटर³ के, यानी ये घन सेंटीमीटर के। तो जो शंकु होता है अगर उसी त्रिज्या के लिया जाएगा तो r रहेगा, और उसी ऊंचाई को लिया जाएगा तो भी h रहेगा। तो ऐसे में जो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr³ होता है, नहीं सॉरी πr² h होता है, तो 1/3 उसके साथ में ऐड होता है। तो यहाँ पे हमने
1/3 पाई आर स्क्वायर, या इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है, 120 है, तो 1/3 तो हमने रखा साथ में, उसमें 120 से गुणा कर दिया, तो 3 सब जब भाग हुआ तो 40 मिल गया। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी बड़ी बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान सा तरीका था, सिंपल तरीके से हो गया। और उसके बाद आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले से प्राप्त धातु से 1.1 क्या दिया गया है, 0.15 सेंटीमीटर व्यास के तार की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम कुछ बताना है। तो हमने क्या किया है कि व्यास की जो गोले की जो त्रिज्या दी थी उसको हमने रख दिया है, साथ में उसका आयतन आयतन के लिए जो सूत्र लगता है 4/3 πr³ उसको लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे तार का जो व्यास है 0.15 हमने उसको रख लिया है, साथ में उसके त्रिज्या निकालने का प्रयास कर लिया है, क्योंकि ये जो तार होगा वो बेलन के आकार का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको व्यास का आधा कर दिया तो हमको त्रिज्या मिल गया। त्रिज्या को जब यहाँ पे देखें, दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे दो अंकों पे दशमलव 0 बढ़ जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 5 से काट दिया, 5 × 3 = 15, और यहाँ पे नीचे 40, तो 3/40 मिल गया। साथ में जब ये जो तार होगा उसका आयतन जो सूत्र बनेगा, आयतन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, πr² h³, क्योंकि या फिर l भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेलन के आकार का तार हमेशा बेलन के आकार का होता है, तो यहाँ पे वही यूज़ किया है। इसको बाद हमने यहाँ पे देखा, जो ऊपर हमको एक आयतन मिला था ये, और ये जो नीचे वाला आयतन मिला है ये, क्योंकि ये पिघला कर बनाया गया है तो यहाँ पे दोनों आयतन बराबर होंगे, तो दोनों आयतनों का यहाँ पे बराबर कर दिया है, 4/3 π रख दिया। r³ यानी 9³, यानी कि 9 को 3 बार हमने लिख दिया। पाई यहाँ पे 3/40 का जो होल स्क्वायर बन रहा था, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे 3 × 3/40 × 40 और × l तो रख ही दिया। पाई से पाई को बहुत अच्छा लगता है, मुझे को काटना काट दिया, तो यहाँ पे 40 और 40 को ऊपर पहुँचा दिया, 3 और 3 को नीचे पहुँचा दिया। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, मतलब इतना कुछ हमको यहाँ पे मिलता है, 1 मिनट जी, इतना कुछ हमको यहाँ पे मिलता है। जो चीज़ें यहाँ पे नीचे थी वो ऊपर चली गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, उसके बाद जो काटते बना मैंने काट दिया, काटने के बाद जो कुछ मिला उसको गुणा करा दिया, और यहाँ पे जो एल मिला है, लंबाई मिली है, वो सेंटीमीटर में मिलेगा, और इतना सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। विकल्प में हम जाकर चेक करने लगे तो हमको सेंटीमीटर में एक भी उत्तर नहीं मिला, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से भाग करके, तो ये हमारा था उत्तर जो है मिल गया। तो बहुत ही आसान सवाल है ये, ऐसा करना, आगे वाले सवालों पे चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखेंगे कि कौन से सवाल यहाँ पे हैं। 14 नंबर सवाल हमको दिखाई दे रही है, ओके, कह रहे हैं एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है, शंकु की ऊंचाई 6 दी गई है और उसकी त्रिज्या दी गई है 12, हम इसी 12 और 6 का यूज करेंगे। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या लिख लिया है, साथ में आयतन का सूत्र लगा दे 1/3 πr² h, लगाने के बाद यहाँ पे 1/3 π का मान पाई रख दिया और आर का मान 12 रख दिया, उसका स्क्वायर बराबर × 6 लगा दिया। अब गोले की त्रिज्या पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमको गुणा भाग करना चाहिए था पर हमने गुणा भाग नहीं किया, क्यों नहीं किया, थोड़ा सा जूम करते हैं तो बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे गुणा भाग करना चाहिए था पर हमने नहीं किया, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे हम यहाँ पे 3 से 3 × 6 कर सकते थे, लेकिन हम बाद में कर लेंगे, हमको क्या अभी भागा थोड़ी नहीं जा रहा है। तो जो गोला बनाया गया उसका आर त्रिज्या हो गया, आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, और यहाँ पे जो वही पुरानी बात है, ये जब पिघला के बनाया जाता है दोनों का आयतन हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पे उन दोनों को बराबर लिख दिया गया, पाई से पाई को काटा गया, और जो भी आपको तिरछा मिर्छा काटने का मन कहे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे हम 3 से 3 को काट देंगे, क्योंकि दोनों में उठन 3 है, तो 4 से काट दिया, 4 × 3 = 12, यहाँ पे 3 मिल गया है, और यहाँ पे r³ बराबर यहाँ पे हमको 12, 6 और 3 दिखाई दे रहा है, तो उनको लिख दिया। और यहाँ पे हम आगे क्या करते हैं, हमको घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर कर सकते हैं, बाकी आप इसका गुणा कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, 6 × 6 = 216, मेरे ख्याल से 16 मिलना चाहिए, 216 मिलना चाहिए। वैसे हमने यहाँ पे गुणनखंड किया तो 1, 2 और 3 बार 3 मिला, 1, 2, 3 बार 2 मिला, ऐसे में जो 3 बार मिलता है उनको 1 बार बाहर निकाल जाएगा, 2, 3 बार मिला उनको 1 बार निकल, यानी कुल मिला के 2 × 6 = 3 यहाँ पे बाहर निकलेंगे, 2 × 3 = 6 बराबर, मतलब 6 आपको यहाँ पे मिल गया इसका त्रिज्या के रूप में, बस हो गया काम खत्म। आगे वाली जो सवाल है वो 15 नंबर सवाल है, यानी इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल है। इसमें देखेंगे कहा गया है कि
बहुत अच्छी सवाल है। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। जब भी ईंटों की संख्या निकालने को कहे, भाई बहुत आसान सा सूत्र लगता है, आवश्यक ईंटों की संख्या, या फिर हमने आवश्यक ईंट के लिए लिखी है वैसे आवश्यक ईंटों की संख्या। छोड़ो यार, ये कौन लिखता है ऐसा। तो जो कुछ भी है लिखने का तरीका, जो कुछ इतना सा है, बस इतना है कि दीवार का आयतन, जो भी बड़ी चीज बनती है जैसे दीवार, ईंट में बड़ा कौन है? दीवार। तो दीवार का आयतन ऊपर रखेंगे, ईंट का आयतन नीचे रखेंगे, आयतन ही नीचे रखेंगे, और बस हो गया। फिर वही पुराना काम जैसा आप अभी तक करते आए हैं, काट पिटी एक काम। अब दीवार की जो लंबाई है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वैसे थी, पर हमने यहाँ पे 400 ली है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। वैसे सब कुछ यहाँ पे सेंटीमीटर में चल रहा था ईंटों वाला, इस वजह से हमने वहाँ पे उसको सेंटीमीटर में ही रखा। 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर, 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर। उसके बाद काटने पीटने के बाद टोटल कुछ मिला के बजट जो बचता है वो 1000 ईंटों का होता है। तो ऐसे में हो जाती है प्रश्नावली खत्म। अब आपके लिए वो तोहफे की जो बात हम कर रहे थे, यहाँ पे हमने पीडीएफ ने जो प्रोवाइड कराया है, ये हमारे पास एक एसएससी की किताब थी, वहाँ पे सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम के लेकर के ढेर सारे क्वेश्चन उसमें भरे पड़े थे। मैंने सोचा क्यों ना आपको दे दिया जाए। अब यहाँ पे आपको करना बस इतना सा, जो सवाल आपसे करते बने, जो आपको अच्छे लगे करते कर सके, जिनको आप उनको कीजिएगा। ऐसा मत पूछिएगा कि सर ये सवाल कैसे होगी, वो सवाल कैसे होगी। ये एसएससी लेवल के है, बट आपकी लेवल वाले क्वेश्चन भी इसमें हैं, काफ़ी हैं, भर भर के हैं। तो आपको जो सवाल ना आए उनको छोड़ देना, बड़े प्यार से छोड़ देना, इज्जत से कह रहे हैं जाओ भैया जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी आओ। तो बस इतना सा बात है, और आपको जो भी सवाल करते बने वो कर लीजिएगा, और बस हो गया जो कहना था, काम खत्म। अब चलिए वीडियो करते हैं खत्म, काफी टाइम बीत गया यार। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ढेर सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैंने टोटल करके कितने क्वेश्चन दिए हैं आई डोंट नो, जितने भी दिए होंगे बहुत अच्छे ही दिए होंगे, तो 69 क्वेश्चन कुल मिला के हैं, ये 70 वाला दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो बस मिलेंगे अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।